तो हेलो गाइस, आज हम देखेंगे कि किस तरह से हम अपने पेन ड्राइव को अपनी फ़ोटो लगा के या कोई भी फ़ोटो लगा के कस्टमाइज़ कर सकते हैं और इसको आसानी से हम ट्रेस कर सकते हैं कि ये हमारी पेन ड्राइव है, किसी और से बदल तो नहीं गई है। क्योंकि गाइस, आपने देखा होगा, पेन ड्राइव एक काफ़ी अच्छा सोर्स है हमारा डेटा को कॉपी और पेस्ट करने के लिए, तो काफ़ी लोग इसको यूज़ करते हैं। तो कई बार गाइज ऐसा होता है कि हमारे फ्रेंड या हमारे पास सेम मॉडल की पेन ड्राइव होती है और अदला बदली हो जाती है, क्योंकि उसको पहचान नहीं कर पाते हैं गाइज हम। और कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे पास भी सेम मॉडल की कई काफ़ी सारी पेन ड्राइव्स होती हैं, तो हम ये नहीं पहचान कर पाते कि कौन सी पेन ड्राइव हम किस यूज़ में ले रहे हैं। तो ये अगर आप एज अ फ़ोटो, अब जो अपना एज अ आइकन अपने फ़ोटो को पेन ड्राइव में सेट कर दोगे तो ईजिली हमारा पहचान कर पाएंगे। तो ये ट्रिक हमारी काम आती है अपने पेन ड्राइव को कस्टमाइज़ करने के लिए गाइस। तो आज हम देखते हैं, आपके पास एक फ़ोटो होनी चाहिए अपनी गाइस, अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पे। इस पर राइट क्लिक करके आपको ओपन विथ पेंट कर लेना है। अब क्योंकि गाइस मैं मुझे इसे एज अ आइकन सेट करना है अपने पेन ड्राइव पे, तो मैं इसको सेलेक्ट ऑल कर लूँगा। यहाँ से क्रॉप पे क्लिक करूँगा और क्रॉपर से मैं इसको चौकोर चौकोर काट लूँगा गाइस, ताकि ईजिली हमारे पेन ड्राइव में एज आइकन सेट हो जाए। देखिए, मैंने इसको क्रॉप कर लिया है चौकोर, और यहाँ से आपको इसे सेव एज कर लेना है गाइस, रीनेम कर लेना है इसको। मैं इसको ए फाइल नेम ए दे देता हूँ, सिंपली ए दे देता हूँ बस गाइस। और एक चीज़ और याद रखनी है गाइस आपको, जब आप इसको सेव एज कर रहे हैं तो यहाँ से फाइल फॉर्मेट आपको BMP फाइल फॉर्मेट देना है, 24-bit bitmap.BMP फाइल में इसको सेव एज कर लेना है। मैं इसको सेव कर लेता हूँ गाइस डेस्कटॉप पे। देखिए, सेव हो गई है मेरी फ़ोटो 24-bit BMP फाइल। और यहाँ पर अब आपको एक छोटी सी ऑटो रन फाइल भी बनानी है। आपको यहाँ एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन कर लेना है, इसको ओपन करना है। यहाँ से एक छोटी सी एक ऑटो रन फाइल आपको बनानी है, बताता हूँ गाइज मैं आपको। यहाँ पर आपको टाइप करना है ऑटो रन, नेक्स्ट लाइन में जाके आपको टाइप करना है आइकन, फिर उस फोटो का नेम दे देना है फाइल फॉर्मेट के साथ, जिसको हम एज अ आइकन यूज़ करेंगे। यहाँ से हम सेव एस कर लेंगे गाइस। इस ऑटो रन फाइल को आपको नाम दे देना है, और इसको सेव करते टाइम आपको ये बात अच्छे से याद रखनी है कि .inf एक्सटेंशन ज़रूर आपको आगे लगाना है फाइल नेम के, जिससे एक एक्सिक्यूटेबल फाइल बन जाएगी। देखिए, मैंने इसको सेव कर दिया है, मेरी ऑटो रन फाइल भी यहाँ पर आ गई है और मेरा फोटो भी आ गया है। अब हम अपना पेन ड्राइव कनेक्ट करेंगे। ये देखिए, मेरा पेन ड्राइव कनेक्ट है गाइज यहाँ पर, ESD USB D। और करना गाइज आपको ये है कि आपको सबसे पहले तो अपना फोटो जो है उसको कॉपी कर लेना है। फोटो कॉपी करके आपको अपना पेन ड्राइव ओपन करना है। देखिए, मेक श्योर सबसे पहले तो कि आपका पेन ड्राइव ब्लैंक होना चाहिए, और ये फोटो यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। उसके बाद ये ऑटो रन फाइल, इसको आपको कॉपी करके इसे भी पेन ड्राइव में पेस्ट कर लेना है। अब आपको जो अपना पेन ड्राइव है उसको एक बार इजेक्ट करना है। इजेक्ट मतलब कि आपको अपना पेन ड्राइव एक बार डिस्कनेक्ट करना है अपने PC से। देखिए, मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ और दोबारा से इसको कनेक्ट करता हूँ अपने पेन ड्राइव को। देखिए, सिंपल स्टेप है। देखिए गाइस, मेरी फ़ोटो आ गई यहाँ पर। तो गाइस, आज हमने देखा कि किस तरह से हम अपने पेन ड्राइव पे अपनी फ़ोटो लगा के इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।